हेलो, मैं बोल रहा हूँ सिकंदर। उसके पास लुटाने के लिए और कुछ भी है तो बता दें आप मुझे। नहीं नहीं उसके पास और कुछ नहीं है। तो फिर मुझे फोन करने के लिए क्यों कहा था? मैं समझा बाप का खजाना भी हाथ लग गया है। तुम्हें पैसे चाहिए ना, मैं तुम्हें पैसे दूंगी, लेकिन तुम्हें उसके बदले में मेरा एक काम करना होगा। कैसा काम? निम्रा को अपने साथ रखना होगा। मैं उसे अपने साथ रखकर क्या करूंगा? वहीं पड़ी रहे अपने सौतेले बाप के पास। अगर मैं तुम्हें इसके बदले में एक बड़ी रकम दूं तब भी नहीं रखोगे? और शर्त यह है कि किसी ऐसी जगह रखना जहां उसका कोई पहुंच ना सके। अरे मैडम, मैं गरीब बंदा हूं, मेरे पास ऐसी जगह कहां से आएगी? उसकी फिक्र नहीं करो, तुम्हारे पास उसकी अम्मी का इतना सारा जेवर है और मैं भी तुम्हें एक अच्छी बड़ी रकम दूंगी। कोई छोटा मोटा अपार्टमेंट या घर देके रेंट कर लेना। अच्छा समरीन, मैं बाद में बात करती हूँ। किससे बात कर रही थी? समरीन से। इस वक्त? क्या मतलब इस वक्त? मेरी बहन है, कभी भी बात कर सकती हूँ। कॉल बैक करके देख लो, का यकीन नहीं आ रहा तो। बात यकीन की नहीं है, बात तुम्हारी उनके लाइफ में इंटरफेयर करने की है। मैं उनकी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करती बात से। उसको पप्पो की चालाकियों का नहीं पता, बहुत सादी है, मासूम है, मैं उसको बस समझाती हूँ। पप्पो ऐसी औरत नहीं है शजा, प्लीज। नहीं तो तुम्हें मुझे छोड़ के दुनिया का हर शख्स अच्छा लगता है। anyway, तुम्हें सुमीन की लाइफ में इस तरह इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। मैरिड है वो, बच्ची नहीं है। चल समझाती हूँ उसे। इसको समझाना नहीं कहते, इसको कुछ और कहते हैं जिससे उसकी जिंदगी बर्बाद ही होगी। बेहतर मैं होने नहीं दूंगी। सॉरी, मेरा फर्ज था तुम्हें कहना, मैंने कह दिया। आगे तुम्हारी मर्जी।